हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, इजराइल ने भारत का मैप दिखाकर दुनिया को किया सन, भारत की हुई जमकर तारीफ। चलो देखें, हमने एक्चुअली में मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा, चेक करना, उसमें वीडियो आएगा जिसमें नितिन याहू ने की जो पूरी स्पीच थी यूएन में, जिसमें मैप दिखाया, पूरी स्पीच हमने किया, इतना कमाल की स्पीच है, उसको ज़रूर देखना। वो बहुत इम्पॉर्टेंट हर एक हिंदुस्तानी को देखने के लिए देखनी चाहिए, ताकि एक तो उन्हें पता चले कि भैया कौन ठीक है कौन गलत है। पैलेस्टीन का अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो शायद उसमें थोड़ी अक्ल आ जाएगी, और हम लोगों को एक ये एग्जाम्पल जो है देखने को मिलता है कि अपने देश के लिए कैसे स्टैंड लेना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी स्पीच के दौरान भारत के लिए रोड़ा खड़ा करने वाले देशों को लेकर के कुछ ऐसी बात कही है, जिसके बाद पाकिस्तान, चीन, तमाम देशों के होश उड़ चुके हैं। वह मुस्लिम देश जो अब तक भारत के लिए रोड़ा खड़ा करते आए हैं, उन देशों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि अब इजराइल के सामने वह टिकने वाले नहीं है। इजराइल ने सीधे तौर पर आक्रामक ढंग से इन देशों को रगड़ दिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आज अखाड़े की भांति बन चुका है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत इकलौता ऐसा देश बन चुका है जिस पर कोई भी देश हो यूनाइटेड नेशन में खड़ा होने के बाद बूढ़ा ही हो चुका है, चला नहीं जा रहा है। समझ सकते हैं, एक बार खुद सोचिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 देशों का समूह है, और हर देश अपनी बात कुछ ना कुछ रखने के लिए आता है, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए चर्चा का मंच बन चुकी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भारत के लिए रोड़ा खड़े करने वाले देशों का बुरा वक्त शुरू होने वाला है, और इजराइल अब इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। इजराइल पहले से ही लगातार युद्ध में तब्दील है। इजराइल में हालत यह बन चुका है कि इजराइल का बच्चा बच्चा अब फिलिस्तीनियों को मिटाने के लिए उतर चुका है, और यह जंग लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बीच इजराइल ने भारत को लेकर के ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद चीन तक की सांसें फूल चुकी हैं। बता दें कि दुनिया के सबसे खतरनाक अगर मोशाक इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो किसी और देश की नहीं बल्कि इजराइल की है, और मोशाद ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारत के लिए कोई रोड़ा खड़ा करेगा तो अब वह नहीं बचेगा, चाहे वह चीन ही क्यों ना हो। और यह बात सुनने के बाद चीन के तो परखच्चे उड़ गए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस स्पीच के बाद जब एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर के अपनी बात रखी, उसको सुनने के बाद पूरी दुनिया के दांतों तले उंगली दबा ली। इसराइल को लेकर के जयशंकर ने बोलते हुए कहा है कि भारत का सबसे करीबी दोस्त इसराइल है, और हम इसराइल के साथ मिलकर के अब बड़े एक्शन की उन देशों पर तैयारी में हैं जो लगातार भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए आतंक के मंसूबों को बढ़ाते जा रहे हैं। यह निशाना सीधा पाकिस्तान पर था, और इस बात के कहने के बाद से ही पाकिस्तान के पीएम के हाल वह बन चुके थे कि वह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बीच रोने को आ गए थे, और इसराइल को लेकर के साफ तौर पर साफ कर दिया। भारत ने कहा कि हम इसराइल के हर कदम पर साथ हैं, और इतना ही नहीं, इसराइल ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो वहीं भारत ने बांग्लादेश को ऐसा झपेटा मारा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो भारत पर लगातार अपने आरोप मढ़ रहा है। बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जिसको लेकर के भारत ने साफ तौर पर कहा था कि उसने अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अपने देश में बंद नहीं किया तो भारत इस पर तगड़ा एक्शन लेने वाला है, और इसके बाद अब भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद बांग्लादेश की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अमेरिका ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, आपने एक दिन पहले ही खबर सुनी होगी कि अमेरिका पहुँचते ही बांग्लादेश के जो नवनिर्वाचित पीएम हैं मोहम्मद यूनुस, उनको गले लगाया, लेकिन अब हालत कुछ ऐसी बन चुकी है कि मोहम्मद यूनुस का साथ अमेरिका
छोड़ने जा रहा है। दोस्तों, हर एक बार भारत को लेकर के दुनिया का कोई भी देश अपने आप को आगे नहीं खड़ा करना चाहता है, भारत का खिलाफत कोई भी देश नहीं करना चाहता है सिवा एक के, वो अब बचा है महज पाकिस्तान। क्योंकि चीन ने भी अब पाकिस्तान को लेकर सपोर्ट करना साफ बंद कर दिया है, क्योंकि चीन की भारत ने ऐसी दुखती रग में हाथ रखा है कि अगर एक बार दबा दिया तो चीन का गर्दन भारत के हाथों में आ जाएगी। बहुत बड़ी अपडेट है, क्या कहा है इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने, साथ ही भारत के एस जयशंकर ने इस पूरी बात को लेकर के क्या कहा है। पीओके को लेकर के अहम खबर उन्होंने साफ कर दी है, और जो उन्होंने पीओके को लेकर के पाकिस्तान को लताड़ा है वह भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, यह आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी अच्छी खासी बड़ी मदद होती है, और साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि हमारे व्यूवर्स किस बात पर इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, भारत की पूरी दुनिया में बढ़ती कीर्तिमान तो हम सब ने देख ली है, भारत का लगातार बढ़ता हुआ कद हम सब ने देखा है, लेकिन पूरी दुनिया किस तरह से अब भारत के कदमों पे झुक रही है यह आज आपको जरूर देखना चाहिए, और इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमने दोनों नेतन्याहू और जयशंकर दोनों की स्पीच सुनी है, और इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में वो वीडियोज होंगी, आप भी देखना। दोनों ने कमाल का बोला था, और जिस तरह से जयशंकर ने जो पाकिस्तान की बेइज्जती की है ना, दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। और जिस तरह से नेतन्याहू ने दिखाया, बेसिकली फोकस मेन ईरान पे था कि किस तरह का ईरान कंट्री है और क्या प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट की हुई है पूरे वर्ल्ड के लिए, और उन्होंने तो क्लियर बोला था कि अगर तुमको लगता है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही प्रॉब्लम है ईरान, तो आपको गलतफहमी है, ये इवेंचुअली जो है ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप किसी को ये वर्ल्ड में लग रहा है किसी देश को, भैया हमें क्या लेना, हमें ये तो इसराइल की प्रॉब्लम, इसराइल के साथ लड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो इतने रेडिकलाइज्ड हुए हुए हैं कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए मुसीबत है अगर इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, और पूरे वर्ल्ड को मिलकर इनको कंट्रोल करना चाहिए। और उन्होंने कहा हम तो छोड़ेंगे नहीं, और वो तो खास लेके आए थे उन फैमिलीज को जिनके बच्चों को, मतलब बेटों को बेटियों को ये जो है हमास ने जो पकड़ के लेके गए थे, यहाँ तक बता रहे थे कि उनको मार के भी उनको लेके चले गए। सोच सकते हो आप कि मार के उनकी बॉडियों को ले लेके चले गए टनल्स के अंदर, और कईयों की तो पूरी पूरी फैमिलीज, उन्होंने सारा बताया कि किस टाइप की अट्रॉसिटीज की हैं इन लोगों ने, क्या क्या किया बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, घरों में जाके, और कैसे आए थे ट्रकों में, बाइकों में, ऐसे वो क्रॉस करके इसराइल के अंदर आए थे जहाँ पे भैया कॉन्सर्ट हो रहा था, लोग जो एक फेस्टिवल टाइप मना रहे थे, गाने बजाने हो रहे थे, और ये लोग आके वो इनोसेंट लोगों के साथ किया था। तो ये सब उन्होंने बताया, और जयशंकर जी ने भी बोला था कि भाई जो ये वॉर वूर हो रही हैं ये वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है, और हम लोगों को काम इस डायरेक्शन में करना चाहिए कि कुछ लॉज एंड ऑर्डर्स जो है फॉलो किए जाएँ वर्ल्ड के अंदर, जिससे मतलब जो गलत कर रहा है उसके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस हो, कुछ कंट्रोल तो हो। यहाँ पे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, लड़ाइयाँ चलती जा रही हैं। उन्होंने यूक्रेन की वॉर के बारे में भी बोला था। तो दोनों की स्पीचेस वर जस्ट फैंटास्टिक, और दोनों ने बता दिया, एग्जांपल एक सेट किया कि टेररिज्म जो है वो अब सहा नहीं जाएगा, और उसका जवाब तुमको मिलेगा, जो देश करेगा उस देश को उसका जो नतीजा है वो भुगतना ही पड़ेगा। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।